मैं जिस गिरिराज जी के बारे में बोल रहा हूं वो गिरिराज है क्या, क्यों इसकी इतनी महिमा है, ये बात बड़ी विशेष रूप से समझने वाली है। गिरिराज जी गोलोक धाम में प्रकट हुए। गोलोक धाम क्या है? गो का मतलब ज्ञान, गो का मतलब आलोक, गो का मतलब गाय, गो का मतलब ग्वाल वाल जहां रहते हों, गो का मतलब भक्तों का आत्मानंद, गो का मतलब आत्मा स्वयं, आत्मालोक, आत्मलोक, जहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हमारे संसार की तरह जड़ हो। उस दिव्य लोक में, उस अनंत माधुर्यमय लोक में भगवान के श्रीअंग से, भगवान के हृदय से, यहां से भगवान के दिल से, भगवान के हृदय में भक्तों की भक्ति की भावना को देख करके, उस धाम के भक्तों की बात हो रही है। उस धाम में श्री राधा रानी, बलदेव जी और राधा रानी की शक्तियां, बलदेव जी के अंश, सबके अंदर जो भगवान को आनंद देने की जो उल्लास है, लालसा है, उसको देखकर कृष्ण के हृदय में भी उन्हें सेवा करने की इच्छा हुई। यहां तक कि गाय पशु पक्षी जितने हैं उन सबको आनंद देने के लिए जब कृष्ण ने इच्छा की तो वह पर्वत के रूप में प्रकट हुए, एक नन्हे से पर्वत के रूप में। उसे देख करके सभी आकर्षित हुए, आह कितना सुंदर है। सभी उसके अंदर जैसे जैसे इच्छा करने लगे कि मैं इसमें देखूं, जैसी भावना वैसे ही उनको कंदरा, वैसी गुफा, वैसे वृक्ष, वैसी लताएं, वैसे ही पेड़ पौधे, वैसे झरने, वैसे ही सब कुछ उन्हें गिरिराज जी में नजर आने लगा। और गिरिराज जी मतलब भगवान का हृदय इतना विशाल होता चला गया, गिरिराज जी इतने विशाल होते चले गए कि अनंत पृथ्वियां उसके छत्र छाया में आ जाए। मतलब गोलोक धाम को ढकने लग गया। गोलोक धाम को जब ढकने लगा तो श्री राधा जी कहते बस बस रुक जाओ। राधा जी ने उनको स्पर्श किया, तब कृष्ण का वो भाव जो भक्तों के लिए उत्पन्न हो रहा था, भक्तों को आनंद देने के लिए बढ़ रहा था, वो भाव रुका। और रुकने से गिरिराज गोवर्धन वहां पर एकदम छत्र के माफिक, मानो गोलोक धाम पे के मुकुट की तरह वहां पर विराजमान हो गए। वो गोलोक धाम में जो मुकुट मणि बने हुए हैं भगवान स्वयं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, इससे श्रेष्ठ स्थान क्या हो सकता है? मतलब भगवान के हृदय में रहना, चरणों में रहना एक बात, भगवान के आश्रय में रहना एक बात, भगवान जिस हृदय से भक्तों की सेवा करते हैं उस हृदय में रहना बहुत बाहर की बात है। हम लोग रह तो रहे, शरीरधारी है ना, इसलिए शरीर का सुख दुख, उसके भोग उपभोग, उसके अंदर की वासनाएं, उसके अंदर की कामनाएं, इसके कारण से जो है हम लोग स्पर्श नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या स्पर्श नहीं कर पा रहे, आखिर है तो धाम में। देखिए जैसे मेरे ही शरीर में बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा है ना, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरे मन को आप देख पा रहे हैं? मेरी आत्मा को देख पा रहे हैं? भाई देख तो रहे हैं, मेरी आत्मा को तो नहीं देख पा रहे, मेरी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते, मेरे मन को भी नहीं स्पर्श कर सकते। मेरे मन को जो अच्छा लगेगा उसी को तो मैं अपने मन की बात बोलूंगा। इवन कि आप मेरे शरीर को भी नहीं देख पा रहे क्योंकि मैंने कपड़े धारण किए हुए हैं, शरीर भी ढका हुआ है। इसी प्रकार से हम लोगों ने भगवान के आगे अपने आप के आगे कवर किए हुए हैं। भगवान तो रेडी हैं, उनके ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ सकता, सूरज को कोई भी ढक नहीं सकता, कोई बादल कभी सूरज को ढकता नहीं है।
लेकिन कुछ बादल के टुकड़े जब हमारी आंखों के आगे आ जाते, अरे सूरज तो आज बादलों के पीछे छिप गया, वो नहीं छिपा, वो टुकड़े हमारी आंखों के आगे आए। इसी प्रकार से हमारी आत्मा, हम स्वयं इतने आवरणों से ढके हुए हैं कि हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे, अपने से जो बाहर देखना है वो हम अपने से नहीं देख पा रहे, हम शरीर से देख रहे, हम मन से भी नहीं देख पा रहे, मन को भी नहीं देख पा रहे। यही एक मतलब दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, क्या आपकी करुणा, आपने सर्वशक्ति दे दी नाम में, वही बात मैं यहां दोहराना चाहूंगा, क्या आपकी दया, आपने अपना हृदय निकाल करके धरती पे दे दिया कि आ जाओ जो आता है आ जाओ, मैं सबकी सेवा करूंगा।